जय हिंद मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों। निर्मला सीतारमन ऑफिस की तरफ से एक वन रैंक वन पेंशन की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये अभी अभी जस्ट ही 15 घंटे पहले की न्यूज़ है और ये पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आया है ट्विटर हैंडल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। इस वीडियो में हम एमएसपी पे भी बात करेंगे, जो एमएसपी पे कल सुनवाई हुई कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, आपको एमएसपी इक्वल कब मिलेगा और ये नेक्स्ट कब हेयरिंग होगी और कितनी देर हेयरिंग चली, क्या क्या बात हुई सब कुछ। सबसे पहले कि हम वन रैंक वन पेंशन पे बात करेंगे, आज की है 22 नवंबर 2023। 22 नवंबर 2023 की सैनिक खबरों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मोदी गवर्नमेंट फुलफिल्स द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर एक्स सर्विसमैन एंड इंप्लीमेंटेड वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी इन 2015। इट बेनिफिटेड 20.60 लाख एक्स सर्विसमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज 2023 इंडिपेंडेंस डे had said that more than 70,000 crore has reached ex-servicemen and their families under ORP. आप सभी को बता दें सबसे पहले कि यहाँ पे एक हमारे पास वीडियो भी आई है, वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने कहा भी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा है सब कुछ कहा भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन बाकायदा आपको ट्विटर हैंडल मिल जाएगा। और ये न्यूज़ आपको एकदम लेटेस्ट बता रहे हैं, ये कल 21 नवंबर 1:42 में पोस्ट किया गया है और आज 22 नवंबर मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, जिसमें 18,500 लोग ने इसको देख भी चुका है। तो इसमें इन्होंने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बात की है कि जो 17,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया गया है, करोड़ हैज बीन रीच्ड एक्स सर्विसमैन इन देयर फैमिलीज को मिल चुका है, जो हमारे जैसे कि फैमिली पेंशनर हुआ, नॉर्मल पेंशनर हो गए, हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर्स हो गए, वीर नारीज हो गए, जेएसयू जवान्स हो गए और जितने भी हमारे जो ओआरओपी के दायरे के अंदर आते हैं, जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं उनको इसका लाभ मिल चुका है। जैसे पीएमआर नहीं आ रहे हैं हमारे, कुछ जेएसयू साहब उनको कम फायदा हुआ बट हुआ है। आपको बता दें कि अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट चल ही रहा है, 30 नवंबर 2023 तक आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट आपके खाते में पूरा आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना देने जा रहा हूँ कि आपको बता दें कि जो एमएसपी पर सुनवाई हुई 21 तारीख को शाम 3:30 बजे, उससे पहले भी 5 मिनट हुई थी, लेकिन वार्तालाप के दौरान बताया गया कि थोड़ा लंबा इसमें जाएगा, इसलिए सेकेंड हाफ में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो गवर्नमेंट वकील ने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। डॉक्यूमेंट इट्स मीन्स जो भी उनको देना चाहिए था अपना वैलिड प्रूफ की अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों, या कुछ भी। यहाँ पे हमारे जो ओआर जेएसयूज और हमारे जितने भी जवान हैं उनका यही डिमांड है कि किया जाए इक्वल एमएसपी, क्योंकि ये एक हमारे जो एमएनएमस है उसको 10,500 और हमारे ओआरस को 5,200 और ऑफिसर्स को 15,500। तो एक बता दें कॉम्बेट और नॉन कॉम्बेट का भी इन्होंने यहाँ पे एक रखा है कि वो कॉम्बेट भी नहीं है, ना ही वेपन हैंडलिंग करते हैं और ना ही रिस्क फैक्टर है, और जवान का कैजुअल्टी भी ज्यादा है, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है, वेपन हैंडलिंग भी है और फुली रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, और ये एक जोखिम बता ही है क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस है। आपको बता दें कि 3:30 बजे शुरुआत हुई और इसको जज साहब ने तकरीबन हेयरिंग 40 मिनट्स तक खींचा गया, जिसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हुई। और यहाँ पे आप देख पा रहे तीनों यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 नेक्स्ट हेयरिंग डेट दे दी गई है और इसमें आपकी सुनवाई होगी। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।